व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वॉचिंग एचडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं इतने जो है ना जोश के साथ या फिर इतने इंटेंसिटी के साथ ये सब क्यों बोल रहा हूँ। हम जो बात करने वाले हैं वो एक रिसेंट अटैक की है और उस अटैक की रिटेलिएशन भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो चुकी है, कुछ कह रहे हैं अभी होनी है। वह ये रियासी में एक पिलग्रिम्स थे, मंदिर जा रहे थे, उनकी बस पे हुआ टेररिस्ट का अटैक। और जो आम टेररिस्ट थे उन्होंने फायरिंग वायरिंग की, बस खाई में गिरी, खाई से नीचे उतर के भी उन्होंने फायरिंग की। लोगों ने जो है ना मरने का नाटक करके अपनी जान बचाई, लेकिन फिर भी 9 से 10 लोग उसमें मारे गए। विद इन 2-3 डेज पाकिस्तान में लकी मुरव्वत में आर्मी पर्सनल्स के काफिले पर अटैक हुआ। और कुछ ये कह रहे हैं जनाब ये जो अटैक है ये रिटेलिएशन है, जिस तरह पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सीज को या फिर इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करता है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने भी अपना इन्फ्लुएंस TTP के ऊपर यूज़ करके बदला ले लिया। इंडिया कह रहा है हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, और इंडिपेंडेंटली अटैक हुआ है, और TTP और पाकिस्तानी आर्मी की तो अलग से जंग लगी हुई है, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, हम तो अभी रिटेलिएट करेंगे। भारत, ये सारी इस वीडियो का बैकग्राउंड है। हम वीडियो को मैं आपको टाइटल बता दूं, रियासी अटैक इज जस्ट अ स्टार्ट, पाकिस्तान्स वन मूव कैन डिस्ट्रॉय इंडिया। ये पता नहीं बता रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क है। अभी एन न्यू चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल वहाँ पे आप जाओ तो पहले वीडियो देख लेना फिर यहाँ आना, फिर हम बातें बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं, 3-2-1 नेम। अगर आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों पर हमले सिर्फ 1990s में होते थे, अब नहीं होते, तो इस वीडियो के बाद शायद आपका ओपिनियन बदल जाएगा। बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं, बात उन मुस्लिम भाइयों की भी हो रही है जो कश्मीर में रिफॉर्म्स चाहते हैं, और वो भी अंग बनना चाहते हैं। वो लॉयर्स हैं, पुलिस में हैं, टीचर्स हैं, जिन पर पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक करते हैं। यहाँ मैं शायद इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का ढोंग करने वाले को नहीं। आज के वीडियो पर कोई एड्स नहीं चलेंगे, क्योंकि एक ट्रेजेडी के बारे में बात करके पैसे कमाना हमारा मकसद नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, और इस वीडियो में कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होने वाली है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सोर्सेस होंगे जो आप उन्हें पढ़कर आपका ओपिनियन बना सकते। मैं अपनी जितना पढ़ा हुआ उस हिसाब से अपनी इतिहास पता होगा, उसे पता होगा पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक ने 1971 कि भारत को एक डायरेक्ट वॉर में हराना नामुमकिन है। तो पाकिस्तानी आर्मी ने एक नई स्ट्रेटजी की भी भगत रहे हैं, वो है लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। कुछ दिनों पहले रियासी में हुए अटैक्स इसी स्ट्रेटजी का नतीजा है। एक बस माता वैष्णो देवी की ओर जा रही थी, जिस पर आतंकियों ने गोलियां चलाई। ये बस खाई में गिर गई और इसमें 9 लोगों की जान गई। इस अटैक में एक छोटा बच्चा भी गुजर गया। आई विटनेसेस कहते हैं कि बस खाई में गिरने के बाद भी आतंकी नीचे उतरकर गोलियां बरसाते रहे, यात्रियों को चुपचाप मरने का ढोंग करना पड़ा, फिर ही आतंकी रुके। ये हमला उसी दिन हुआ जब हमारी नई सरकार शपथ ले रही थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था। ये अटैक TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने करवाया था, और इस TRF को सपोर्ट कौन करता है? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी एकदम से नहीं, स्लोली, धीरे धीरे भारत को डिस्ट्रॉय करो। पाकिस्तान के पूर्व PM जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 1965 में ये कहा था कि वो भारत के अगेंस्ट 1000 साल की जंग का ऐलान कर रहे हैं। UNSC में ऐसा स्पीच, UNSC यानी वो संस्था जो दुनिया भर में पीस मेकर बनी घूमती है, उन्होंने ऐसा स्पीच सबके सामने होने दिया, और ये 1000 ईयर वॉर होगी कैसे? इसी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की स्ट्रेटजी से, फिर वो खलिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना हो या कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ाना। अब तो कश्मीर के हालात बदल गए काफी। ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है? पाकिस्तान के 7 स्टेप्स हैं जिनसे वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भारत पर अटैक करना चाहते हैं। पहला स्टेप है कश्मीर में सेपरेटिस्ट फोर्सेस को फाइनेंस करना। दूसरा स्टेप है आतंकियों को ट्रेन करना। तीसरा स्टेप है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में हेट स्पीच फैलाना। चौथा स्टेप तो है भारत में ड्रग्स सप्लाई करना। पांचवा स्टेप है भारत में फेक करेंसी का एक जाल बिछाना।
छठा स्टेप है नेपाल और अन्य देशों के थ्रू भारत में आतंकियों को भेजना, स्लीपर सेल्स बनाना। और आखिरी स्टेप है भारत में वेपन्स भेजकर इन स्लीपर सेल्स के थ्रू सिविल वॉर करवाना। अगर आप इसी ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट्स की स्ट्रेटजी को और विस्तार में समझना चाहते हैं, देन आई वुड रेकमेंड टू बुक्स, द अनएंडिंग गेम बाय विक्रम सूद और स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। इल्यूजन ऑफ पीस, क्या बढ़िया नाम है, राइट? एक वॉर सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, वॉर अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स लड़ते हैं, वॉर थ्रू टेररिज्म, साइकोलॉजिकल वॉर जो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ लड़ी जाती है, इकोनॉमिक वॉर जिसमें देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक होता है, और डिप्लोमेटिक वॉर जिसमें एक देश को ग्लोबली आइसोलेट करने की कोशिश होती है ताकि कोई और देश हमारी हेल्प के लिए आगे ना आए। इसमें से डिप्लोमेटिक वॉर फ्रंट पर पाकिस्तान फेल होता दिखता है एटलीस्ट राइट नाउ, लेकिन बाकी कई मामलों में पाकिस्तान सक्सेसफुल होता है। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल है TRF। पिछले साल भारत सरकार ने TRF को एक टेरर आउटफिट घोषित किया। ये लश्कर-ए-तैयबा का एक ब्रांच है, पाकिस्तान टेरर फंड करता है। इस वजह से पाकिस्तान 2018 से 2022 के बीच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये ग्रुप TRF एक्टिव हुआ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चाहती है कि इंटरनेशनली ये ग्रुप एज अ रेजिस्टेंस दिखे, ऐसा लगे कि कश्मीर के इंडिजिनस लोग इस ग्रुप को चला रहे हैं, वो रेबल फोर्सेस है, कश्मीर के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, जो आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, और मुझ पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। चलिए देखते हैं कि 2020 से कितने अटैक्स में ये ग्रुप इन्वॉल्व रहा है और इनका इम्पैक्ट एग्जैक्टली किन किन लोगों पर हुआ है। लिस्ट सिविलियंस पे ही होगा, लंबी है, लेकिन कृपा करके इसे स्किप मत कीजिए। 2020 से शुरुआत करते हैं। 5 अप्रैल, नॉर्थ कश्मीर में 5 सोल्जर्स मिलिटेंट घुसपैठियों के हाथों मारे गए। 18 अप्रैल, इन्हीं के अटैक्स में 3 CRPF जवान मारे गए और 2 इंजर भी हुए। 3 मई, TRF के मिलिटेंट्स ने हॉस्टेजेस को पकड़े रखा था, उन्हें छुड़ाते हुए 5 सोल्जर्स मारे गए। 21 मई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर और CRPF के जवानों पर ओपन फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिसमैन ने अपनी जान गंवाई। 8 जून को एक कश्मीरी पंडित सरपंच को अनंतनाग में गोलियों से मारा गया। 9 जुलाई को हाई सिक्योरिटी के बावजूद शेख वसीम बारी, बाशिर अहमद और उमर बारी को उनके ही घर के सामने गोलियों से मारा गया। इन आतंकियों ने तो एक्टिविस्ट लॉयर्स को भी नहीं छोड़ा। 25 सितंबर को श्रीनगर में बाबर कादरी के घर पर ही उन्हें मारा गया। इस बार टेररिस्ट क्लाइंट्स बनकर उनके घर पहुंचे। 6 अक्टूबर कश्मीर के गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटिशियन के PSO को मारा गया। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 3 बीजेपी वर्कर्स को जान से मार दिया गया। 8 नवंबर 2 आर्मी और 1 BSF के जवान ने LOC के पास कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलिंग के समय मिलिटेंट से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। 23 दिसंबर को तो CRPF पर उन्होंने ग्रेनेड्स फेंक दिए। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भी इन्होंने सतपाल निश्चल नाम के एक कश्मीरी हिंदू को मारा। अब 2021 की बात करते हैं। 19 फरवरी को श्रीनगर में 2 पुलिस को मारा गया। 29 मार्च शमशुद्दीन पीर और रियाज अहमद, उनके सिक्योरिटी गार्ड शफकत अहमद के साथ मारे गए। 22 जून को तो एक CID इंस्पेक्टर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। 27 जून पुलिसमैन के साथ उनकी पत्नी और बेटी को इन्होंने मार दिया। 7 अगस्त को भी एक पुलिस ऑफिसर मारे गए। 5 अक्टूबर को एक कश्मीरी पंडित फार्मेसी ओनर को श्रीनगर में मारा गया। 2 दिन बाद 7 अक्टूबर को एक हिंदू और एक सिख टीचर को मारा गया, और 2 दिन बाद 9 अक्टूबर को 2 पुलिसमैन को मारा गया। पिछले साल 2023 के अनंतनाग एनकाउंटर के बारे में शायद आपको पता होगा, मुस्लिमों से एक वेल प्लान्ड एम्बुश था। इसमें 2 सोल्जर्स और एक पुलिस ऑफिसर मारे गए। लेकिन इस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में बड़े क्वांटिटी में वॉर लाइक स्टोर्स जब्त हुए, यानी अटैक की तैयारी हो रही थी, प्लस उनके अड्डे पर पाकिस्तानी मार्क दवाइयां भी मिली। और उसके बाद 2024 में रियासी अटैक। हाँ, आपको ये लिस्ट सुनते समय बोर तो नहीं हुआ ना? हमने कोशिश की कि पिछले 3 या 4 सालों में हुए सारे इंसिडेंसेस 1 by 1 कवर करने की। ये वो सारे इंसिडेंसेस है जिनके लिए TRF डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। इनमें अटैक सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, सिखों और मुसलमानों पर भी हुआ था। और ये सारी बातें अल जजीरा, जो कनेक्ट है, जैसे पब्लिकेशन से भी कवर की है। ये डिटेल्स काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सच हमारी आंखों के सामने है, फिर भी हम उसे देख कर अनदेखा कर रहे हैं। TRF अगर सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता तो उन्हें अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं मारना चाहिए था।
राइट, लेकिन उन्होंने सब पर गोलियां चलाई, उन्होंने दहशत फैलाई, ज्यादा कश्मीरियों पे ही चलाई, लॉयर्स को भी नहीं छोड़ा, पुलिस को, लोकल म्युनिसिपल लीडर्स को नहीं छोड़ा, टीचर्स को नहीं छोड़ा, बिजनेसमैन को नहीं छोड़ा, ताकि समाज में कभी भी कोई प्रगति ना, कोई भी अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाए, कोई भी एक लीडर ना बन पाए, अपने मुद्दे डेमोक्रेटिकली सामने रख ही ना पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रीइंस्टेट कर दो। ऐसे समय जरूरी है कि कश्मीर से अच्छे लोग चुनाव के लिए खड़े हों। लेकिन अगर लीडर्स खड़े होने पर खुद ही सेफ नहीं होंगे तो वो लोगों की आवाज कैसे बनेंगे? और इससे ही कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट्स। ओके 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 जनाब, इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है मैं वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं समझ रहा था कि कुछ होगा, लेकिन ये तो बड़ा ही डीपली चीज़ चली गई। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ इस वक्त एक चीज़ एक्टिव है, PLA, BLF और TTP की फॉर्म, वो इनडिस्क्रिमिनेटली जो है ना लोगों को मार रहे हैं। बलूचिस्तान में होते हैं तो पंजाबी बन के या पुलिस वाले बन के या फौज वाली वर्दी पहन के लोगों को मारते हैं, और अगर पंजाब में किसी को मारते हैं तो पठान बन के और उस गेटअप में आके मारते हैं। और इस वक्त नफ़रत क्रिएट हो रही है पंजाबी, बलोची, सिंधी और पख्तून के दरमियान, और एंड क्या होगा, इतनी नफरत बढ़ जाएगी, छोटा सा अटैक भी चिंगारी बनेगा और सिविल वॉर की तरफ बात जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही कश्मीर में हो रहा है कि ये जो TRF है ये सिखों पे भी हमला कर रही है, मुसलमानों पे भी कर रही है, हिंदुओं पे भी कर रही है, इन द नेम ऑफ कश्मीर की आज़ादी, या आप कह लें अब लिबरेशन के लिए। अब हो क्या रहा है भाई, अगर तो तुम कश्मीरियों के इतने बड़े हातमताई हो तो तुम कश्मीरियों को क्यों मारोगे, नॉन कश्मीरी लोगों को मारोगे ना। नॉन कश्मीरी में फिर जो है वो आप पहले पूरा देखोगे इसमें क्या हो रहा है। अब जो वहाँ पे लॉयर्स हैं, पुलिस वाले हैं, एक मेजॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल हैं, लोकल लीडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे मुस्लिम हैं, बिजनेसमैन लोग वहाँ पे हिंदू या सिख हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली उनको मार रही है। होता क्या है, देखें मारने वाला TRF वाला अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मार वो मुसलमान को भी रहा है, सिख को भी रहा है, हिंदू को भी रहा है, लेकिन इन तीनों कम्युनिटीज़ में नफरत किससे बढ़ेगी, मुसलमान के लिए। और फिर 33-34 करोड़ मुसलमान है वहाँ पे इंडिया में, पूरे इंडिया में फैलेगी ना नफरत, और उसी हिसाब से जो है ना सीख हैं, उसी हिसाब से उसे तो नफरत बढ़ेगी, इतनी नफरत बढ़ेगी हर घर हर गली में छोटी छोटी जंगें लगी हुई होंगी अपने ही लोगों के अगेंस्ट। मतलब करता कोई है, भुगतता कोई है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ। ज़ियाउल्लक़ की भी हम आज तक भुगत रहे हैं, ज़ियाउल्लक़ ने बनाए थे ये मुजाहिद और असलाह ने दिया था हाथ में और मदरसे बनाए थे और ये ट्रेनिंग व्रेनिंग किसके लिए, रशिया को भगाने के लिए CIA के साथ मिलके, आज वो हमारे गले की हड्डी बने हुए हैं, हमने उनको हथियार सप्लाई किया, आज वही हथियार लेके हमारे सर पे गोलियां मार रहे हैं। तो मैं अब क्या बोलूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान को मिल के कश्मीर के इशू पे ना कोई लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए, और फिर उन लाइंस के बीच में रहते हुए ना अपने अपने मुल्क में से क्लीनिंग ऑपरेशन करने चाहिए। लेकिन मसला ये है, हमें यही नहीं समझ आती कि हमारे मुल्क में चला कौन रहा है, हुकूमत चला रही है, कौन लोग चला रहे हैं, नहीं समझ में आती। और यही बात इंडिया कहते हैं भाई बात किससे करें। बहरहाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आप इस पे हेल्प करना हमारी, क्या इसका हल हो सकता है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, सी यू गाइस।